सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस, इस वीडियो में जानेंगे कि क्या विड्रॉल ब्लीडिंग होने के बाद भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैम चैलेंज, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि विड्रॉल ब्लीडिंग आखिर होती क्या है और क्यों होती है, और क्या इस ब्लीडिंग के होने के बाद भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि देखिए, विड्रॉल ब्लीडिंग अगर आपको हो गई है तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, लेकिन आपको ये कंफर्म जरूर करना है कि आपको जो ब्लीडिंग हुई है, ये ब्लीडिंग क्या आपको विड्रॉल ब्लीडिंग है या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि विड्रॉल ब्लीडिंग आखिर होती क्या है और ये होती क्यों है। तो गाइस देखिए, जो विड्रॉल ब्लीडिंग है ये यूजली हार्मोनल पिल्स लेने से होती है। अब हार्मोनल पिल्स भी बहुत सारी हैं, जैसे आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हो, जैसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, या फिर 21 दिन वाली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हो, या फिर आपने कोई अदर हार्मोनल पिल ली है, जैसे नॉर्थ ईस्ट्रोन, जिसे आप लोग प्राइमलूट एन या फिर सिसरोन या फिर रेजिस्ट्रोन के नाम से जानते हो, या फिर मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन टैबलेट्स ली हैं, या फिर कोई भी अदर हार्मोनल पिल ली है, तो उससे आपको विड्रॉल ब्लीडिंग हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको हार्मोनल पिल्स से ही विड्रॉल ब्लीडिंग हो, ऐसा नहीं है। अदर मेडिसिन है, जैसे इरिथ्रोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, या फिर कई स्टेरॉयड मेडिसिन हैं जो विड्रॉल ब्लीडिंग कोज करती हैं, कई एंटी मलेरियल ड्रग हैं जैसे क्लोरोक्विन, ये भी विड्रॉल ब्लीडिंग को कोज करती है। लेकिन यूजली जो केसेस आते हैं वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेकर या फिर हार्मोनल पिल्स को लेकर ही आते हैं। ठीक है, अब ये होती क्यों हैं? तो गाइस, जैसा आपको पता होगा कि जो फीमेल्स होती हैं उनके शरीर में दो अंडेदानी होती हैं, मतलब कि दो ओवरीज होती हैं, और इन ओवरीज में से दो हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है, एक प्रोजेस्टेरोन और एक इस्ट्रोजन। जब फीमेल्स की बॉडी में इस्ट्रोजन हार्मोन नॉर्मल होता है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा रेंज में होता है, ठीक है, और जब आप ये हार्मोनल पिल लेते हो तो एकदम से इस्ट्रोजन का लेवल फॉल होता है। ठीक है, अब जब इस्ट्रोजन का लेवल फॉल होगा तो जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, उसके इनर मोस्ट लेयर जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो एकदम से स्प्रेड हो जाती है, और ये कोज करता है विड्रॉल ब्लीडिंग को। ठीक है, तो ये तो कारण हुआ कि विड्रॉल ब्लीडिंग क्यों होती है, साथ ही मैंने आपको बताया कि विड्रॉल ब्लीडिंग क्या होती है। ठीक है, अब काम की बात पर आते हैं कि क्या विड्रॉल ब्लीडिंग होने के बाद प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि विड्रॉल ब्लीडिंग अगर आपको हुई है तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस ना के बराबर हैं, लेकिन आपने ये कंफर्म करना है कि आपको जो ब्लीडिंग हुई है वो आपको विड्रॉल ब्लीडिंग है या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और निकल कर आती है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को कैसे डिटेक्ट करें। तो दोनों में जो साइनो सिम्टम है ना गाइज, वो अलग अलग होता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन में जो ब्लीडिंग है वो आपको हल्की स्पॉटिंग टाइप की होती है, इसमें पैड ना के बराबर यूज होते हैं। जब किसी फीमेल को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी तो वो हल्की पिंक कलर की होती है, उसमें पैड लगाने की ज़रूरत होती नहीं है। स्पॉटिंग टाइप का आपको ब्लड के बिल्कुल लाइट स्पॉट देखने को मिलते हैं, हल्की क्रैम्पिंग होती है। ठीक है, और ये मैक्सिमम एक या दो दिन होती है। ठीक है, वो भी स्पॉटिंग टाइप में। ठीक है, अब हमारी जो विड्रॉल ब्लीडिंग है जो पिल से होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लड आता है ना वो आपको ब्लैक कलर का या फिर ब्राउन कलर का देखने को मिलता है। पेनलेस ब्लीडिंग होती है नॉर्मली, लेकिन कई बारी जब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेती हैं तो उसमें ज़्यादा पेन होता है, जो नॉर्मल जो आपको पीरियड साइकिल आता है उससे ज़्यादा आपको पेन महसूस हो सकता है कई केसेस में। ठीक है, लेकिन इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो पीरियड से कम होती है लेकिन ज़्यादा होती है, इसमें आपको पैड लेने की ज़रूरत महसूस होती है। ठीक है, ब्लीडिंग कम से कम 2 से 3 दिन तक होती है और मैक्सिमम 5 दिन तक होती है विड्रॉल ब्लीडिंग। ठीक है, लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग 1 या 2 दिन होती है और बिल्कुल स्पॉटिंग टाइप की होती है। ठीक है, कलर मैंने आपको बताया और ड्यूरेशन बता दी है, और देखने में कैसा होता है वो तो
होता ही है, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आप इनको दोनों को अच्छे से जान जाते हो तो आपका ये जो डाउट है कि क्या विड्रॉल ब्लीडिंग होने के बाद प्रेगनेंसी हो सकती है, तो आप इजीली जान जाओगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर उसका नंबर भी देख सकते हैं व्हाट्सएप का, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।